नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल आप सभी को। राधा स्वामी सिटी मैम में आप सभी का स्वागत है। संत महात्माओं ने बहुत बड़ी बात कही है, कर्म और कृपा दोनों ही जरूरत है, इसीलिए हमेशा गुरु चरणों में अरदास रखें। राधा स्वामी सत्संग ब्यास के सवाल जवाब सत्र कार्यक्रम में प्रमुख गुरु बाबा गोविंदन सिंह ढिल्लो जी से श्रद्धालु मन में आए हर उस प्रश्न को करते हैं जिनका जवाब ज्ञानी किताबों में नहीं मिलता, लेकिन बाबा जी बहुत ही सरल तरीके से जवाब देते हुए श्रद्धालुओं के मन की शंकाओं को दूर करते हैं। यहाँ सवाल जवाब सत्र के कुछ महत्वपूर्ण अंश RSSB के ऑफिशियल चैनल से लिए गए हैं। अगर आपको ये पूरा वीडियो देखना है तो उसका लिंक भी हमने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। देखिए आज के कुछ महत्वपूर्ण अंश। राजस्वामी बाबा जी, मेरा पहली बार है कि मैं आपके सामने क्वेश्चन कर रहा हूँ। मुझे सिर्फ आपसे जानना है, मैंने काफी पढ़ा है, बट आपसे मुझे जानना है कि विनम्र होने के लिए और क्या करना चाहिए। बेटा देखो, इस वक्त ना हमारा दायरा बहुत छोटा है जी, और छोटे से दायरे में हम अपने आप को बड़ा अहम मान के बैठ जाते हैं जी। अब एक छोटा सा परिवार ले लें, अब ठीक है परिवार में आपका वजूद है, आपकी एक औकात है, मगर वही आप दायरा थोड़ा सा खोल लें, आप अपना शहर को देख लें तो आप जैसे तो और कितने होंगे। तो जैसे जैसे दायरा खुलता जाएगा तो इंसान को एहसास होगा कि मैं तो कुछ भी नहीं जी जी। सो इसलिए दायरे खोलने की बात है बेटा, और जैसे जैसे भजन सिमरन करते हैं जागृता आती है, दायरा खुलता है, तब इंसान को एहसास होता है कि मैं तो कुछ भी नहीं। इस वक्त सत्संग सुनते हैं, ग्रंथ पोथियां पढ़ते हैं, वहां निम्रता की बात की जाती है, हम सोचते हैं कि भाई ये अवस्था हमें भी चाहिए जी, मगर ये सिखाई नहीं जा सकती, ना कोई सीख सकता है। जब तक आप अंदर से आपको एहसास नहीं होगा कि मैं कुछ नहीं हूं, और वो तभी होगा जब दायरा खुलेगा जी। राजस्वामी बाबा जी हम हमेशा चाहते हैं कि सही चीज करें, और सही गलत की पहचान करना कई बार बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन एक और सवाल आता है कई बार कि सही के लिए हम कभी करते करते ऐसा लगता है कि हम एक लड़ाई लड़ रहे हैं उस सही के लिए, और हर कोई उसके खिलाफ है। तो कब ये हमें पता चलता है कि ये हमारा ईगो बन गया है, हम अपने ईगो के लिए लड़ रहे हैं या उस सही के लिए या सही चीज के लिए लड़ रहे हैं, तो वो कैसे पता चलेगा? बेटा देखो, एक तरफ तो हम सोचते हैं कि मैंने अपनी अलग से हस्ती बनानी है, मैंने अपना अलग से वजूद बनाना है, और दूसरी तरफ इंसान भेड़ चाल में पड़ जाता है। अब ये नहीं है कि हमें मालूम नहीं कि सच क्या है, झूठ क्या है, गलत क्या है, सही क्या है, हमें सभी को मालूम है, मगर हम एक जस्टिफिकेशन सी ले लेते हैं, मजबूरी कह लो, जिम्मेवारियां कह लो, तो उसके कारण एक हम जस्टिफिकेशन सी ले लेते हैं, मगर अंत में तो कर्मों का हिसाब किताब है ना, तो कर्म तो बनेगा, आप चाहे सोच समझ के करें और चाहे बगैर सोचे समझे करें। सो इसलिए बेटा इंसान ने अपने आप को बचाना है, और जितने कम कर्म होंगे उतना बोझ कम होगा, उतना इंसान हल्का होगा, और हम ज्यादा अपने मुकाम की तरफ बढ़ सकते हैं। जितने कर्म और बढ़ेंगे बोझ बढ़ेगा, तो इंसान तो उठा ही नहीं पाता बेटा। सो इसलिए हमें तो हर वक्त सही करना चाहिए, दूसरे चाहे करें या ना करें। तो उस सच के लिए वो जो लड़ाई से हम लड़ने लगते हैं उसको कब छोड़ें ताकि वो हमारा ईगो ना बन जाए और हम उससे हट जाएं? नहीं बेटा, लड़ाई तो तब होती है जब हम दूसरों को समझाना शुरू कर देते हैं, आप सही करो, हमने दूसरों का हमने हिसाब किताब नहीं उठाना, हमने सारी दुनिया का ठेका नहीं लिया, ठीक है ना, आप गलत मत करो, क्योंकि जो आप करेंगे वो आपके कर्म है, जो वो करेंगे वो उनके कर्म है, आप मत गलत करो। मगर ये कहना कि जी मैं सबसे लड़ाई करके मैं बैठ जाऊं तो मेरे को सयाना कौन कहेगा बेटा। थैंक यू बाबा जी। राधा स्वामी, सवाल जवाब वीडियो आपको कैसा लगा अपने विचार हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आने पर अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर भी करें।